तो गाइस YouTube शॉर्ट्स स्वाइप अप करते हुए और Instagram रील देखते हुए कभी ना कभी आपको ये स्मार्ट लैंप जरूर देखा होगा, जहाँ पे भाई इनबिल्ट ब्लूटूथ स्पीकर दिया हुआ है, वायरलेस चार्जिंग दिया हुआ है और नाइट लैंप तो है ही दोस्तों। और सोशल मीडिया पे इसकी इतनी तारीफें हो रही थी भाई कि इसको टेस्ट करना तो बनता ही है। तो आ गया है भाई हमारे पास Amazon से, आज इसको करते हैं टेस्ट, इसकी असली सच जानते हैं भाई कैसा है ये नाइट लैंप, जो भी हो स्पीकर और वायरलेस चार्जिंग। तो खैर यहाँ पे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, आपने लाइक करा तो कर दो भाई और सब्सक्राइब भी कर देना। तो बॉक्स खोलोगे आपको यहाँ पे भाई साहब एक और बॉक्स मिल जाएगा और भाई साहब वायरलेस चार्जिंग इस पे दिखा रहे हैं आईफोन को रख के और यहाँ पे शोमी वाला जो चार्जिंग एनिमेशन होता है ना वो शो कर रहे हैं। ये जो प्रोडक्ट है मेड इन चाइना है भाई। बाकी बॉक्स पे कुछ स्पेसिफिकेशन वगैरह मेंशन की गई है जो कि मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। तो भाई यहाँ पे हमारा रखा हुआ है लैंप और इसमें मिला है पुस्तक, एकदम चाइना में लिखा हुआ है भाई, और एक यूएसबी टाइप सी केबल मिल जाता है इस लैंप को चार्ज करने के लिए। अब भाई यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट ये रहा हमारे पास भाई। अब इसकी बिल्ड क्वालिटी मैंने देखा भाई, ढक ढक करता है, मतलब करेगा ही, प्लास्टिक बिल्ड जो है ना, अब यहाँ पे ज्यादा फोर्स करोगे ना तो ये टूट जाएगा। तो बिल्ड क्वालिटी मेरे को इसका डिसेंट टाइप का लगा है, उतना कोई खास इसका बिल्ड क्वालिटी नहीं है। बाकी नीचे में आपको चार पैर मिल जाते हैं ऐसा लैंप को खड़ा करने के लिए। अब भाई इसमें आपको दो स्पीकर मिल जाते हैं, एक आगे और एक पीछे मिल जाता है। यहाँ पे सारे पोर्ट्स दिए हुए हैं दोस्तों, आपको यहाँ पे हेडफोन जैक भी मिल जाता है और एक यूएसबी पोर्ट मिल जाता है एंड यहाँ पे आप एसडी कार्ड भी डाल सकते हो। आपने प्लेलिस्ट बना रखा होगा तो आप डायरेक्ट इसमें एसडी कार्ड भी डाल सकते हो, अदरवाइज आप ब्लूटूथ से भी कनेक्ट करके आप इसमें म्यूजिक प्ले कर सकते हो। यहाँ पे आपको यूएसबी टाइप सी केबल मिल जाता है इसको चार्ज करने के लिए। बाकी आपको फ्रंट में ऑन ऑफ बटन मिल जाता है एंड सेकंड बटन भाई मोड वाला है, जिससे आप इसका ब्लूटूथ मोड पे जा सकते हो या फिर एफएम रेडियो मोड पे जा सकते हो। बाकी यहाँ पे वॉल्यूम अप डाउन बटन दिया हुआ है और एक कॉल रिसीव करने का बटन दिया हुआ है, यहाँ पे ऑन कर लिया जाए इसको। ओके तो ये ऑन हो चुका है, इसको मैं ब्लूटूथ मोड पे डालता हूँ। यहाँ पे कुछ नोटिस किया दोस्तों, जो रेलवे पे अनाउंसमेंट होता है ना उससे पहले वाला जो रिंग होता है ना वैसा इसमें साउंड होता है ब्लूटूथ से कनेक्ट होने के बाद। एंड ऑन बटन को आप सिंगल प्रेस करते हो ना तो इसका जो आरजीबी का जो मोड है ना वो चेंज होगा, तो मैं दिखा देता हूँ आपको। इसमें टोटल 6 मोड मिल जाते हैं, तो ये पहला मोड है और ये रहा इसका दूसरा मोड और ये रहा इसका तीसरा मोड दोस्तों, और ये चौथा मोड है और ये पाँचवा मोड है और ये छठा मोड है। बाकी अगर आप म्यूजिक प्ले करोगे ना तो इसकी जो लाइटिंग है ना वो म्यूजिक के साथ सिंक करता है, तो ये देखने में थोड़ा सा और अच्छा लगता है। अब यहाँ पे भाई इसमें जो है वायरलेस पैड भी दिया हुआ है ऊपर की साइड में दोस्तों, आप फोन को रख के ना चार्ज कर सकते हो। बट यहाँ पे मेरे को एक दिक्कत क्या लगा ना, इसमें ऐसा मैं फोन रखता हूँ ना तो फोन ये जो है ना चार्ज नहीं करता है। भाई इसमें आपको एक्सटर्नल चार्जर डालना पड़ेगा तब जो है ये फोन को चार्ज करता है, और ये 15 वाट को सपोर्ट करता है, तो 15 वाट के फास्ट चार्जर से आपका फोन को ये चार्ज करेगा। और अगर ये चीज होता ना कि डायरेक्ट फोन रखे और बिना कोई चार्जर कनेक्शन से फोन को चार्ज करता तो ये एक चीज इसमें अच्छी हो सकती थी। और एफएम रेडियो के बारे में बाय द वे मैंने नहीं बताया, तो यहाँ पे मोड बटन जो दिया हुआ है ना इसको मैं सिंगल टाइप करता हूँ ना तो इसका एफएम रेडियो ऑन हो जाता है, तो यहाँ पे घड़घड़ाने के अलावा और कुछ आ ही नहीं रहा भाई। इधर कोई रेडियो स्टेशन है कि नहीं है पता नहीं, मतलब थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा रेडियो स्टेशन के साथ कनेक्ट करने के लिए इसको। और इसमें जो स्पीकर दिया हुआ है दोस्तों 5 वॉट का और इसकी जो आउटपुट पावर है 52 nm की। खैर यहाँ पे मैं आपको इसकी साउंड सुनाता हूँ, तो गाइस मैं अभी इसको फुल वॉल्यूम पे सेट कर देता हूँ। बेबी को बेस पसंद है, तो गाइस यहाँ पे साउंड तो ठीक है, मतलब सिंगल पर्सन के लिए ठीक है, मतलब अगर आप 4-5 को ग्रुप बना के नाच रहे हो तो उस सिनेरियो में भाई इसकी जो आवाज़ है आपको एवरेज लगेगी। और मेरे को क्लियरिटी भी नहीं लगा है भाई, मतलब कुछ ज़्यादा ही बेस इसमें आ रहा है और जो बेस आ रहा ना जिस वजह से स्पीकर थोड़ा सा फट रहा है। नॉर्मल साउंड पे सुनोगे ना तो फिर ठीक है। इसमें ब्रांड ने क्लेम करा है कि इनबिल्ट 1200 mAh की बैटरी दे रखी है और आपको 2 hours का प्लेइंग टाइम निकाल कर दे देगा, बट भाई मैं इसको 4-5 दिनों से टेस्ट कर रहा हूं भाई, इसकी बैटरी बैकअप मेरे को कम लगी। यहाँ पे बैटरी बैकअप से आप ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना। अब हालांकि प्राइस मैटर करता है भाई, अलग अलग साइट पे मतलब जितने भी सेलर वगैरह है इसको अलग अलग साइट पे भी लिस्ट करके बेच रहे भाई, 800 का, 900 का, 1000 का, तो 1000 रुपए के प्राइस पॉइंट में वर्थ इट प्रोडक्ट है। बाकी आप अपनी राय बताना कमेंट करके कि आपको ये चीज कैसा लगा। मेरे को जो अच्छा लगा जो खराब लगा मैंने आपको बता दिया भाई। बाकी भाई वीडियो को लाइक करके जरूर जाना और सब्सक्राइब भी कर देना भाई, हम ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहते हैं आपके लिए और हमेशा आपका पैसा अच्छी जगह इन्वेस्ट करवाते हैं, ऐसा गलत जगह नहीं बर्बाद करने का। खैर मिलते फिर से किसी और ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय मेरे भाई।